पहला क्वेश्चन था बिल्डिंग सेल वेट को हम किस में, कौन से उसमें आता है, डेड लोड लाइव लोड किस में आता है, तो इसका आंसर था डेड लोड। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सिंपल न्यूमेरिकल था। तीसरा क्वेश्चन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड की पूछ रखी थी, तो 25 आ जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन पूछ रखा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो इसमें UDL दे रखा था, सिंपली सपोर्टेड बीम था, WL²/8 से निकाल देंगे। पांचवा क्वेश्चन प्लास्टिसिटी लिमिट पूछ रखी थी, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा था, इसका 10 आंसर आ जाएगा। और सातवां क्वेश्चन दे रखा था वाटर रिक्वायरमेंट, नहीं वो वाटर सीमेंट रेशो। और अगला वाटर सीमेंट रेशो पूछ रखा था M25 ग्रेड के लिए। और आठवां क्वेश्चन था क्योरिंग ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट मिनिमम डेज कितने करते हैं, तो इसका 7, 14, 21, 28 दे रखा था, 7 आंसर हो जाएगा। और XA is greater than XU, मतलब एक्चुअल क्रिटिकल एक्सिस से ज़्यादा हो तब ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लेस देन ब्रेथ तो शैलो फाउंडेशन, ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन टू वे स्लैब पूछ रखा था, DY/DX का रेशो लेस देन 2 था। और TOR फुल फॉर्म पूछ रखी थी, टर्म्स ऑफ रिफरेंस होगा इसका आंसर। और डिफ्लेक्शन का WL²/48EI, 2 सिंपली सपोर्टेड दे रखा था और पॉइंट लोड दे रखा था, मिड पे बताना था। एंड कंडीशन फॉर नॉर्मल कंडीशन फिक्स्ड होगा इसका। इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए कितनी रेंजिंग रोड की इस्तेमाल यूज़ होगा, तो 3 हो जाएगी। और डोवल बार किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर। 17वां क्वेश्चन सर्कुलर बीम शेयर स्ट्रेस दे रखा है 10 न्यूटन, एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें शेयर स्ट्रेस निकालना था, डिवाइड कर देंगे इसको उससे, एरिया को नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे शायद। पूरा क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी थी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी दे रखी थी, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी थी, नेट बेयरिंग कैपेसिटी सॉरी। और अगला क्वेश्चन है हाइट ऑफ फ्री सरफेस अबव द पॉइंट कौन सा होगा, जैसे कि वाटर टेबल से ऊपर कौन सा प्रेशर लगेगा, जैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा, प्रेशर एट फ्री सरफेस कितना होगा, यही क्वेश्चन। DO डिजोल्व ऑक्सीजन मैक्सिमम कब होगी, एट नून। कवरिंग एंड स्टोन प्लेस ऑन द एक्सपोज टॉपर वॉल, कोपिंग कोर्नाइस ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिंटल टिम्बर हो जाएगा। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में डिफरेंस पूछ रखा था, कौन सा ज़्यादा इफ्लुएंट होगा। और फाइबर यूज इन कॉन्क्रीट नाइलॉन दे रखा था, कुछ ऐसा पेमेंट पूछ रखा था, एयरपोर्ट का पेमेंट में कौन सा मेटल यूज़ करेंगे, नहीं फाइबर यूज इन कॉन्क्रीट, स्टील दे रखा था, कॉन्क्रीट दे रखा था ऑप्शन में, तो वो तो हो नहीं सकते, तो नाइलॉन था इसका आंसर। लेस कॉलम में और ट्रांसफर्स शेयर स्ट्रेस निकालने थे, 2.5 से मल्टीप्लाई करके 5 आंसर आ रहा था इसका। और कोहेजन पूछ रखा था सोइल में, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन कितना होता है, 0.035, 0.03 ऐसे दे रखे थे।